और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जिद्दोजहद की वजह से सदर जरदारी की क्यादत में हमने मुश मोहब्बत की सियासत, उम्मीद की सियासत, जोड़ने की सियासत करते हुए पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल किया, आमिर मुशर्रफ को घर भेजा, आमरियत खत्म की, जिए भुट्टो का नारा लगाते हुए हमेशा की तरह 18वीं तरमीम की सूरत में 1973 का आईन को बहाल किया, नारे भुट्टो लगाते हुए हमने सूबाई खुद मुख्तारी दी, एनएफसी अवार्ड दिलवाया, जिए भुट्टो का नारा लगाते हुए रोटी कपड़ा और मकान का दावा पूरा करते हुए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिलवाया और गरीब तरीन औरतों को माली मदद पहुंचाए, जिए भुट्टो का नारा लगाया, खिदमत की सियासत की और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बुनियाद रखा, पाकिस्तान में मुआशी तरक्की, पाकिस्तान के अवाम के लिए रोजगार की बंदोबस्त की। और मैं याद दिलवाऊ आपको कि ये वही सदर जरदारी जो 12 साल जेल बर्दाश्त की, अब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का शहादत देखा, खुद जिस पे खुद तशद्दुद हुआ था, उसी सदर जरदारी ने इस मुल्क का क़यादत संभालते हुए एक सियासी कैदी नहीं रखा, एक भी नहीं। उसी सदर जरदारी जिसकी जिंदगी भर इसी मीडिया पे किरदार कशी होती रही और आज तक हो रहा है, उसी सदर जरदारी ने कभी मीडिया पे पाबंदी नहीं लगाए, वो इस हद तक जब आप एक जरदारी सब पे बारी का नारा लगाते हो तो सदर जरदारी खुद हमें रोकता है, खुद हमें रोकता है और कहता है एक जरदारी सबसे यारी। वो इसलिए कि हम इत्तेहाद की सियासत में यकीन रखते हैं, यकजहती की सियासत में यकीन रखते हैं, पूरे पाकिस्तान को एक करके पाकिस्तान का मसाइल हल निकालने पे यकीन रखते हैं।